गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो आइए आज हम करते हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक यूज ऑफ इट एंड देयर। ठीक है, यूज ऑफ इट के ऊपर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे इट और देयर, इन दोनों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, कैसे वाक्यों के लिए करते हैं। इट और देयर का प्रयोग हम किसी भी टेंस के लिए कर सकते हैं। अच्छा, जब हम वाक्य बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ इंग्लिश के अंदर ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें हम वर्ब पहले यूज करते हैं और सब्जेक्ट उसके बाद में आता है और वो सेंटेंस सिंपल होते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव में तो हम कह सकते हैं कि वर्ब पहले आती है, लेकिन वो वाक्य साधारण वाक्य होते हैं और उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। इस प्रकार के वाक्य जैसे देयर इज एन एलिफेंट इन द जंगल। ठीक है, देयर आर लायंस इन द जंगल। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं तो उसमें सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले आ जाती है। इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रयोग करने के लिए इट और देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इन वाक्यों में इट और देयर का कोई मीनिंग नहीं होता। यस, इनमें इनका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे आज मंडे है, इट इज मंडे, तो इस प्रकार इनमें इट इज रेनिंग। ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग, तो वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। इनमें इट का प्रयोग, इट मैंने वैसे आपको पता है इट का मतलब यह होता है, तो इट इसके अंदर मीनिंगलेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो जिन सेंटेंस के अंदर दिन, समय, ऋतु यानी कि सीजन, मौसम, छुट्टी, हॉलिडे, जन्मदिन, बर्थडे किसी का, या कोई प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल इंसिडेंट, उनके लिए हम, उनका अगर वर्णन करना है तो उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे आज बहुत ठंड है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन वाक्यों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट के लिए। इट इज वेरी कोल्ड, आज ठंड नहीं है, इट इज नॉट वेरी कोल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार कल, जैसे कल तुम्हारा जन्मदिन होगा, अब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी योर बर्थडे टुमारो। ठीक है, तो इस प्रकार हम इट का प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों में करते हैं जहां पर दिन, डे, समय, टाइम, ऋतु, सीजन, छुट्टी, हॉलिडे, जन्मदिन, बर्थडे या नेचुरल घटना, कोई भी यानी प्राकृतिक घटना, नेचुरल इंसिडेंट, इनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। यह सिंपल और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रयोग करना सीखते हैं देयर का। जिन वाक्य का हिंदी अनुवाद, इनके जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, उस किसी स्थान या वस्तु से वो शुरू होते हैं और उस स्थान पर किसी का होना या ना होना पाया जाए। ठीक है, हिंदी में जो वाक्य होते हैं उनमें यही क्या होता है, जो उनका हिंदी अनुवाद होता है वो किसी या तो स्थान से, कोई भी स्थान का नाम या कोई वस्तु का नाम, उससे वो शुरू होते हैं और उस स्थान में किसी का होना या न होना पाया जाए, तो उस प्रकार के वाक्यों में देयर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय में कोई विद्यार्थी नहीं है। अब देखो जो सेंटेंस है वो किससे शुरू हुआ है, स्थान, कोई स्थान है, विद्यालय स्थान का नाम है और उसमें कोई विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, किसी चीज का होना या न होना, तो हम शुरू करेंगे देयर इज नो, देयर इज नो स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है, बहुवचन के लिए हम कर सकते हैं देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ठीक है, देयर इज ए फैन
इन द रूम, ठीक है। तो इस प्रकार हम देर का प्रयोग करेंगे। जंगल में शेर होता है, जंगल में शेर होता है, देर इज अ लायन इन द जंगल। तो इस प्रकार हम देर और इट को इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं कि यह वाक्य के शुरू में इनका परिचय देते हैं वाक्य का, ठीक है। तो इट और देयर आर कॉल्ड इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर। तो इस प्रकार आज का हमारा एक टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद हम आपको इंग्लिश के अंदर कोई नया टॉपिक लेकर जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।